इस बीच उत्तराखंड की भी बात करेंगे। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक हैं राजेंद्र भंडारी और फिलहाल इन्होंने पाला बदल लिया है और अब उन्होंने ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और झटके के तौर पे आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने विधायकों अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है और बीजेपी हर उस सीट पर मंथन कर रही है जहां से उसको लगता है कि अगर जिताऊ कैंडिडेट दूसरी पार्टी में है तो वहां भी वो बातचीत कर रही है। एक बार फिर हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में भी वही हाल है। इंडिया गठबंधन में तमाम गांठें नजर आती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की डगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए थोड़ी मुश्किल नजर आती है। बिहार में एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 आरजेडी खुद लड़ना चाहती है, जबकि बाकी बचे 10 सीट वो कांग्रेस और लेफ्ट को देना चाहती है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में है। एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडिया, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी नहीं हुआ है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हाजीपुर सीट पर मामला फंस गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद अब लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल फ्रंट फुट पर आ गई है। आरजेडी ने बिहार की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो भी संभावित फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक लालू यादव की पार्टी ने कांग्रेस को 7 सीटें ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आरजेडी इस बार कांग्रेस को अधिक सीटें देने के मूड में नहीं है। इसके पीछे मुख्य वजह है 2020 चुनाव के नतीजे, जिसमें आरजेडी ने बिहार विधानसभा के 243 सीटों में 144 पर अपने उम्मीदवार उतारे और 75 सीटें जीती, जबकि सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी 19 सीटें ही जीत सकी थी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू के 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद एनडीए के साथ मिलकर 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। आरजेडी को अब 2024 चुनाव में तेजस्वी यादव का कद और मजबूत करने का मौका नजर आ रहा है। आरजेडी किसी